बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स, अब हम मैथमेटिक्स में तीसरा सबक अपना पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक फैक्टर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए फैक्टर्स क्या कहलाते हैं और मल्टीपल क्या कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के आप अगर टुकड़े करें, जैसे ये 12 है, ठीक है, इसके दो टुकड़े ये हो सकते हैं 6 प्लस 6, इसके दो टुकड़े ये भी हो सकते हैं 10 प्लस 2। ठीक है, ये टुकड़े सब इसके प्लस में हैं और इसके टुकड़े आप कुछ मल्टीपल की हालत में भी लिख सकते हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हम बोलेंगे कि ये 3 और 4 भी इसके टुकड़े हैं। तो ऐसे टुकड़े जो मल्टीप्लाई की हालत में हो, उन टुकड़ों को आप कहते हैं फैक्टर्स। ठीक है, यानी 3 और 4 12 के फैक्टर्स, 3 और 4 12 के फैक्टर्स। ये बात आपको पता चल गई फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं। किसी भी नंबर के ऐसे टुकड़े जो मल्टीप्लाई की हालत में हों और वो मल्टीप्लाई होके वही नंबर बनाते हों, वो टुकड़े उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे 12 के फैक्टर ये भी हो सकते हैं 6 इंटू 2, ठीक है, 12 के फैक्टर ये भी हो सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 टू 6, 6 टू 12। ठीक है, ये पता चल गया आपको फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ने जाएंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल का मतलब ये है कि जैसे 3 का मल्टीपल 6 होगा, 3 का मल्टीपल 9 होगा, 3 का मल्टीपल 12 होगा, यानी वो सारे नंबर 3 से किसी को मल्टीप्लाई करके आए। 3 से देखें, मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6, 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 9, 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 12, 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 15। तो ये जो सारे नंबर आ रहे हैं मल्टीप्लाई होके 3 से, ये सारे नंबर 3 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, ये सारे नंबर 3 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो ये मतलब होता है मल्टीपल का। चलिए अब हम सवालात करने की तरफ चलते हैं। पहला सवाल जो आपको करना है अपनी कॉपी में, कैलकुलेट, ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करके इसका जवाब क्या आएगा, 3 टू 6। ठीक है, तो आपको कॉपी में ऐसे लिखना है ए लिख के, फिर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 इंटू 3, इसका क्या जवाब आएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये ए हो गया। बी करेंगे आप, बी में क्या है 1 इंटू 17, अब लिखेंगे 1 इंटू 17 इज इक्वल टू 17। ऐसे ही आप सी करेंगे, सी में क्या है 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 किसके बराबर होता है, 5 इंटू 7 5 7 35। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये ए बी सी डी यहाँ तक जे तक आपको करना है। ठीक है, तो अभी आप
इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करके ये सारे सवाल अपनी कॉपी में करें। चलें जी, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर क्या है, द नंबर्स बिलो आर द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, यानी जो नीचे आंसर लिखे हुए हैं ये इनमें से ही किसी के हैं, इन्हीं सवालात में से, ये जो आपने किए थे इन्हीं सवालात में से किसी के ये करेक्ट आंसर हैं। जैसे 77 करेक्ट आंसर किसका है, जे का। 121 किसका करेक्ट आंसर है, आई का। ठीक है, 6 किसका करेक्ट आंसर है, ए का। ठीक है, तो सवाल में आपको क्या करना है, सवाल में आपको ये करना है, पहले सवाल को तो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं हम। द नंबर्स बिलो आर द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन के करेक्ट आंसर हैं, मैच ईच आंसर टू वन ऑफ द कैलकुलेशन इन क्वेश्चन नंबर वन एंड राइट द नंबर सेंटेंस। ऐसे करके लिखना है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने ये 77 लिया, आपने लिखा 77 करेक्ट आंसर किसका है, जे का, तो आप यहाँ लिखेंगे जे का करेक्ट आंसर है ये, और इसको मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे 11 × 7। ये तो मैंने गलत कहा, जे तो नहीं है ये तो डी है, 11 × 7, तो ये देखिए मैंने गलती कर दी। ठीक है, तो ये जे नहीं है बल्कि क्या है, ये डी है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 77 दरअसल डी है, और किस फॉर्म में है, 7 × 11 की फॉर्म में। ठीक है, अब आप अगला उठाएंगे, अगला क्या है, 121 किस फॉर्म में है, आई जो है जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 11 को 11 से, तो जवाब आता है 121। हम लिखेंगे ये आई है और ये 11 × 11 के बराबर है। ठीक है, तो हम यूँ लिखेंगे 121 बराबर है 11 × 11। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए, जैसे बहुत सादा सा सवाल है यहाँ पर, 6, तो 6 का मल्टीपल किसका है, ये ए का है, तो मैंने यहाँ लिखा ये ए है और क्या है, ए 2 × 3, और फिर मैं क्या लिखूँगा, 6 = 2 × 3। इस तरह से हमने ये जवाब कंप्लीट कर लिया। इसके लिए ऐसे ही आप सारा काम कीजिए, 35 के लिए, 221 के लिए, इसके लिए, 143 के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर टू आपको हल करना है, अभी वीडियो को रोकिए और वीडियो रोककर क्वेश्चन नंबर टू हल कीजिए। चलिए, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की जानिब, थ्री हल करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले सवाल गौर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है, हाउ मच इज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक जो नीचे लिखा है ये कितना होगा, योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन एंड टू कैन बी यूजफुल टू आंसर दिस क्वेश्चन। 91 और 13 को डिवाइड करना है, 91 को और 13 को डिवाइड करना है। अब इसके लिए आप जो मदद ले सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर वन से ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ए आप देख रहे हैं यहाँ पर 19 and 31 13। असल में जब आपने ये वाला सवाल हल किया होगा जी, तो वो ये होगा, याद होगा आपको, आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो पता चलेगा, 7 × 13 बराबर है
ठीक है। तो बात क्या कर रहे थे हम बात कर रहे थे इस सवाल की, 91/13, ठीक है। तो अगर हम गौर करें अपने पुराने सवाल पर जो हमने जी में हल किया था, जी में क्या हल था, 7 × 13, और हमने इसको बराबर किया था 91। तो अब देखिए, ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 91 बना रही हैं। अगर आप इसमें गौर से देखें तो यहाँ दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। तो डिवाइड होकर क्या जवाब आएगा, यानी 91 डिवाइडेड बाय 13। देखिए 91 को जब 7 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 आता है, और इसको यूं कर सकते हैं, 91 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो जवाब 7 आएगा, या 91 को अगर 7 से डिवाइड करें तो जवाब 13 आएगा। 91 को अगर 7 से डिवाइड करें तो जवाब तब भी क्या आएगा, 13 आएगा। 91 को अगर 13 से डिवाइड करें तो जवाब क्या आएगा, 7 आएगा। तो दो चीज़ों का मल्टीपल जो जवाब देता है, उस जवाब को उन दोनों में से किसी एक से डिवाइड करें दूसरा नंबर आ जाता है, ठीक है। ये आपको समझना है अच्छे तरीके से। अब सवाल हल कैसे करेंगे, सवाल हल ऐसे करेंगे कि आप लिखेंगे अपनी कॉपी में ए 91 डिवाइड बाय 13, ठीक है। तो 91 को जब डिवाइड करेंगे 13 से तो अगले स्टेप में आप ऐसे लिखेंगे 91 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए डी है, डी कैसे हल करेंगे, 91 डिवाइडेड बाय 7। तो आप जानते हैं 91 डिवाइडेड बाय 7 किसके इक्वल होगा, बिल्कुल ये 13 के इक्वल होगा। ऐसे ही आपको ये सारे सवाल करने, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। चलिए ये भी आप कीजिए अभी वीडियो रोक कर। अब हम जा रहे हैं आगे अपने सवाल की तरफ। ठीक है, सवाल करने से पहले हम ये जो रिजल्ट्स निकले हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। 91 इज इक्वल टू 7 और 13 का मल्टीपल, वी से 91 इज द प्रोडक्ट ऑफ 13 और 7, ऐसे भी बोल सकते हैं, 91 इज द प्रोडक्ट ऑफ 7 और 13। वी आल्सो से दैट 91 इज द मल्टीपल ऑफ 13 और 91 इज द मल्टीपल ऑफ 7। 91 इज द मल्टीपल ऑफ 7 या 91 इज द मल्टीपल ऑफ 13, ठीक है। एंड 13 और 7 आर कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है। तो देखिए एक ही लफ्ज को कई तरह से आप बयान कर सकते हैं। जैसे ये लिखा था मैं 11 × 7 पर अगर यही काम करूं, क्या बोलूँगा, 11 × 7 की 7 का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट दरअसल क्या है, 77 है। तो हम क्या बोलेंगे, 77 इज द प्रोडक्ट ऑफ 11 × 7, सही है। 77 इज द प्रोडक्ट ऑफ 11 और 7, और ये भी कह सकते हैं कि 77 इज द मल्टीपल ऑफ 11, और ये भी कह सकते हैं 77 इज द मल्टीपल ऑफ 7, और ये भी कह सकते हैं कि 11 और 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 77, ठीक है। चलिए इस बात को लेकर अब हम ये वाले सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 13 और 17, 13 और 17 का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये आप ऊपर से भी देख के कर सकते हैं और खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना
अगला सवाल, राइट टू नंबर्स दैट आर फैक्टर्स ऑफ 187, 187 के दो फैक्टर बताइए। ठीक है, तो दो फैक्टर कैसे बता सकते हैं आप? ठीक है, दो फैक्टर बताने के लिए आप 187 की बात हो रही है, तो आप देखिए आपके पास 187 कहाँ आया था। ठीक है, यानी इस सवाल में ये जो 187 है ये किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से आया था, वहाँ देखकर आप बताएंगे कि ये जो 187 है इसका फैक्टर्स क्या है, यानी वो कौन से दो नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 187 हुआ था। ठीक है, ये आप पता चलाने दो नंबर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट 1 × 2, 2 × 2, 3 × 2 एंड 4 × 2। इसको जब आप हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। बस ये जवाब है। अब इसका बी हम देखते हैं। योर आंसर्स फॉर ए आर द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 2। जी हाँ, 2, 3 नहीं था, 2 के बाद क्या था, 4 था, 2, 4, 6 और 8। तो ये 4 मल्टीपल्स हैं 2 के। राइट डाउन द नेक्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। आपको मजीद 10 मल्टीपल लिखने हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16। ठीक है, 2 × 9 = 18। कितने मल्टीपल हुए ये, 5। फिर 2 × 10 = 20, फिर 2 × 11 = 22, फिर 2 × 12 = 24, 26, 28। ये आपको 10 मल्टीपल लिखने हैं 2 के। क्लियर होगी बात आपको? चलिए अब अगला सवाल करते हैं। सी, विच ऑफ दीज नंबर्स आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। इनमें से कौन से नंबर 2 के मल्टीपल नहीं हैं? ये 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आएगा। 2 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने से 17 नहीं आ सकता। हाँ, 24 आ सकता है, 50 आ सकता है, लेकिन 55 भी नहीं आ सकता। तो ये 17 और 55 आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। ऐसे लिखेंगे जवाब में आपको, 17 एंड 55 आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी भी आपने कर लिया। अब हम चल रहे हैं आगे अगले सवाल की जाने। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कैलकुलेट 1 × 3, 2 × 3, 3 × 3 एंड 4 × 3। यानी ये 3 का मल्टीपल है, 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ये 4 मल्टीपल किसके हैं, 3 के। योर आंसर्स फॉर ए आर द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, राइट डाउन द नेक्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। आपको यहाँ पर अगले 5 मल्टीपल लिखने हैं 3 के। मैंने 12 पर ख़त्म किया है, 15 अगला मल्टीपल होगा, फिर 18 अगला मल्टीपल होगा, 21 अगला मल्टीपल होगा, फिर उसके बाद 24 अगला मल्टीपल होगा, और फिर 27 अगला मल्टीपल होगा। तो ये 5 मल्टीपल हैं, ये आप अपनी कापी में अभी जल्दी से लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, सवाल भी उतारना है आपको, सवाल उतार के फिर इसका जवाब हल करेंगे। चलिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है योर टीचर मे हैंड आउट अ पेज विद दिस ग्रिड। आपके पास ये ग्रिड है। इफ नॉट राइट ऑल द होल नंबर्स फ्रॉम 2 to 100 इन अ नीट ग्रिड लाइक। अपनी कापी के अंदर आपने ये 2 से लेके 100 तक, ये 2 से शुरू हुआ है और 100 तक ख़त्म हुआ है, ये गिनती लिखी गई है। ठीक है, 2 से लेके 100 तक।
आपको इस सवाल में पहली जो बात है वो है क्रॉस आउट ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन टू दैट आर मल्टीपल्स ऑफ टू, वो सारे नंबर जो दो से बड़े हैं और दो के मल्टीपल हैं उन्हें क्रॉस करना है। ठीक है, तो हमने सारे टू के मल्टीपल्स एक एक करके आप इसमें क्या करते चले जाएंगे, क्रॉस करते चले जाएंगे। मैं बीच में सब आपको क्रॉस करना है, मैं जल्दी से मैंने यहाँ तक क्रॉस कर लिया, ये पहली बात हो गई। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अगली बात पर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन टू नॉट येट क्रॉस्ड आउट। अब आप बताइए जो बड़ा छोटे से छोटा नंबर है जो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है और टू से बड़ा है, इट इज थ्री, ये थ्री है। तो अब आपको क्या है ना, क्रॉस आउट ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन थ्री एंड आर मल्टीपल्स ऑफ थ्री। अब आपको थ्री के जो मल्टीपल हैं वो क्रॉस करने हैं। थ्री के मल्टीपल्स में दो के मल्टीपल पहले क्रॉस हो गए, ये क्रॉस होगा नाइन थ्री का मल्टीपल, उसके बाद ट्वेल्व क्रॉस हो चुका है फिफ्टीन, फिर आपको एटीन, थ्री के सारे मल्टीपल्स क्रॉस करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या सवाल में कहा गया है। अब कहा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन थ्री नॉट येट क्रॉस्ड आउट, जो अब तक क्रॉस नहीं हुआ उसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, पाँच है। क्रॉस आउट ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन फाइव, अब सारे वो नंबर जो पाँच के मल्टीपल हैं और पाँच से ग्रेटर हैं, यानी टेन है, ठीक है, फिफ्टीन है, ट्वेंटी है, ट्वेंटी फाइव है, थर्टी है, पाँच के मल्टीपल जो है उन्हें आपको क्रॉस करना है। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में क्या कहते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन फाइव नॉट येट क्रॉस शुड बी सेवन। अब वो छोटे से छोटा नंबर जो क्रॉस नहीं हुआ है और पाँच से बड़ा है वो सेवन है। क्रॉस आउट ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन सेवन, वो सारे नंबर जो सेवन से बड़े हैं और सेवन के मल्टीपल हैं उन्हें क्रॉस करना है। यानी अब आप किसको क्रॉस करेंगे, फोर्टीन को, ट्वेंटी वन को, ठीक है, सेवन के जो टेबल में आते हैं, तो सेवन के टेबल में ट्वेंटी वन के बाद क्या था, ट्वेंटी एट है, थर्टी फाइव है, सबको क्रॉस करेंगे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, आगे क्या बता रहे हैं ये। फिर ये कहते हैं राइट डाउन ऑल द नंबर्स दैट यू डिड नॉट क्रॉस। अब जितने आपने क्रॉस कर डाले हैं उसमें से जो रह गए हैं वो सारे लिख दीजिए, वो सब ये होंगे टू थ्री फाइव सेवन अलेवन थर्टीन सेवनटीन, ये सारे नंबर जो ना टू के मल्टीपल हैं, जो ना थ्री के मल्टीपल हैं, जो ना फाइव के मल्टीपल हैं, जो ना सेवन के मल्टीपल हैं, यानी जो ना दो के पहाड़े में आते हैं, जो ना तीन के टेबल में आते हैं, जो ना फाइव के टेबल में आते हैं और जो ना सेवन के टेबल में आते हैं, ये सारे नंबर वो बच गए। ये सारे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, और स्मॉलर देन हंड्रेड, हंड्रेड से छोटे छोटे प्राइम नंबर्स। यहाँ से आपने एक नया लफ्ज़ सीखा, प्राइम नंबर्स, वो सारे नंबर्स जो ना टू के मल्टीपल होते हैं, जो ना थ्री के मल्टीपल होते हैं, जो ना फाइव के मल्टीपल होते हैं और जो ना सेवन के मल्टीपल होते हैं, वो सारे नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और जो इनके मल्टीपल होते हैं, जो आपने काट दिए थे, क्रॉस कर दिए थे, ठीक है, वो सब के सब नॉन प्राइम नंबर कहलाते हैं। यानी वो सारे नंबर जो आपने क्रॉस किए हैं, जो दो के मल्टीपल थे या जो थ्री के मल्टीपल थे, जो फाइव के मल्टीपल थे और जो सेवन के मल्टीपल थे, वो सारे नंबर्स नॉन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और वो जो क्रॉस नहीं हुए बच गए, जो ना टू के मल्टीपल हैं, जो ना थ्री के मल्टीपल हैं, जो ना फाइव के मल्टीपल हैं और जो ना सेवन के मल्टीपल हैं, वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो नंबर्स की एक किस्म हमने आज पढ़ ली, प्राइम नंबर्स की। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले लेसन में फिर इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है,
उस क्लास वर्क अपना मुकम्मल कर लीजिएगा, कॉपी का काम जो जो जिस तरह से मैंने समझाया है वैसे वैसे, ठीक है। और इस काम की एक तस्वीर खींच के आप जो है मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपके काम को देख पाऊँ कि आप काम सही कर रहे हैं या काम गलत कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।